टू बैक अवर स्टाइल कुकिंग विद किड्स। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, बहुत ही मुंह में पानी आ जाने वाली ऐसी रेसिपी है ये डिश बना रही हूँ मैं। इसका नाम है बोनलेस चिकन मखनी हांडी। बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ट्राई करने के बाद कैसी बनी। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। मैं इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, आप उधर से भी नोट कर सकते हैं। तकरीबन ये 1.5 किलो मेरे पास बोनलेस चिकन है। एक टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून काली मिर्चें, 1.5 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 3 हरी मिर्चें हैं, 3 में से 1 हरी मिर्च जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए यूज करूंगी और 2 हम उसमें काट के धनिया में डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास दही है, मक्खन, क्रीम, हरा धनिया और टमाटो पेस्ट है और कुटी हुई लाल मिर्च है और 2 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 कढ़ाई के अंदर मैंने इसमें तेल डाल दिया है। हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। बस हल्का सा तेल गरम हुआ था और इसमें मैंने चिकन डाल दी। इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी इसी तेल में ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पर इसका पानी भी खुश्क हो गया है पूरा और इसका चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1/2 कप पानी डाला है मैंने क्योंकि बिल्कुल चिकन खुश्क हो गई थी। अब इसको जरा से मैं 1 मिनट के लिए पकाऊंगी अदरक लहसुन में। जब इसमें ऐसे बबल्स बनने लगे बिल्कुल तो इसमें हम टोमेटो पेस्ट डाल देंगे। टोमेटो प्योरी हो आपके पास आप वो भी यूज कर सकते हैं और अगर ना हो तो आप टमाटरों को ग्राइंड करके वो भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 3 डाले थे मैंने, 2 पहले डाले और 1 बाद में डाला था और सारे जो स्पाइसी है हमारे वो हम सब इसमें शामिल कर देंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। दही डाले तकरीबन इधर मैंने 6 टेबल स्पून। देखिए मुस्तकिल मैं चमचा चला रही हूँ, इसको मैंने ढका नहीं है, कुछ भी नहीं करा और इसी में ये गल जाएगी चिकन, इसी में पक जाएगी। जैसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनी है मखनी हांडी, आप जाते होंगे देखते होंगे तो वो लोग कैसे बनाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में बनेगी ये। और अगर ये कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी। और ये हरी मिर्च काट कर शामिल कर देंगे। मैंने ये फुल क्रीम का एक पैकेट था मेरे पास, वो मैंने क्रीम का पैकेट इसमें ऐड कर दिया है। अब उसको भी डाल के देखें, मुस्तकिल चमचे चलाते रहेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट ताकि क्रीम इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। और इसमें थोड़ा सा 1/2 कप पानी मैंने बीच में और ऐड करा था जब बिल्कुल भुन गई थी ये, कि इसको हल्का सा इसकी ग्रेवी के लिए। यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, तैयार हो गई है। 1 चूल्हे पे मैंने हांडी रखी है, उसके अंदर मैंने मक्खन डाल दिया। मक्खन आपके अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम ज्यादा जितना आपको हो अपने हिसाब से आप ऐड कर लें। और उसी मक्खन के ऊपर मैंने
चिकन मक्खनी हांडी निकाल ली है, चिकन का सालन सारा निकाल लिया उसी के ऊपर मैंने, और थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी मैं मक्खन। और गार्निशिंग के लिए, थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैं इस पे क्रीम डालूंगी, थोड़ी सी क्रीम ऐड करूंगी। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चों को से डालूंगी, और ये हरी मिर्च। हमारी मक्खनी हांडी रेडी है, बहुत मजेदार, बहुत झटपट रेसिपी। जरूर ट्राई करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कैसी बनी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जरूर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज इसको अपनी फैमिलीज और अपनी फ्रेंड्स के साथ। चलें मिलती हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़।